रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 काफी ज्यादा चर्चा में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन आइडल के सेट से आए दिन कई तरह के किस्से, कई तरह की कहानियां और कई तरह के विवाद सुनने में आ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहां पर एक बार फिर से हुआ है। इंडियन आइडल को जज कर रही नेहा कक्कड़ हो गई हैं काफी ज्यादा इमोशनल। कर लिया है उन्होंने याद यहाँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश को। बता दे आपको, नेहा ने एक बार फिर से हिमांश संग अपने ब्रेकअप को लेकर तोड़ी है चुप्पी। 2 साल तक हिमांश कोहली के साथ रिलेशनशिप में रहने वाली नेहा कक्कड़ का हो गया ब्रेकअप। सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डालकर कई बार उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, और अब इंडियन आइडल का हाल ही में एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ जिसमें नेहा का दर्द साफ तौर पर नजर आया है। नेहा ने कहा, अभी वो काफी अच्छा वक्त बिता रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो उस समय पर जीना नहीं चाहती थी क्योंकि वो महसूस करने लगी थी जिंदगी उनके साथ सही नहीं कर रही। बता दे आपको, नेहा ने अपने संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया के जरिए बयां की और इंडियन आइडल के सेट पर बताया कि उनकी जिंदगी में जब मुश्किल भरा समय आया, काफी ज्यादा वो टूट गई और ऐसे समय में वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती थी। बता दे आपको, इंडियन आइडल के सेट पर एक किस कंट्रोवर्सी भी नेहा कक्कड़ की हुई। हालांकि कंट्रोवर्सी से आगे शो की कहानी बढ़ चुकी है और अब इंडियन आइडल से नेहा के रोने का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।